कक्षा 11वीं साइंस आर्ट्स आपके लिए मैं आपके पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से कविता एक फूल की चाह कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता लेके उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आपको कविता शुरू करने से पहले आपका कवि सियाराम शरण गुप्त जी का शॉर्ट संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहूंगी। कवि हिंदी साहित्य में गांधीवादी विचारधारा के पोषक कवि श्री सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पे एक वैश्य परिवार के बीच हुआ था। ये राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी के ही छोटे भाई थे। निरंतर श्वास रोग से पीड़ित जीवन, पत्नी की असामयिक मृत्यु और साहित्यिक जगत की उपेक्षा ने इनके जीवन को शोक और व्यथा से भर दिया था। परंतु शारीरिक अवस्था को बहुत अधिक महत्व न देकर गुप्त जी साहित्य साधना में लगे रहे। इतना कुछ जीवन में होने के बावजूद भी उस ओर ध्यान न देके साहित्य के क्षेत्र में साहित्य को आगे बढ़ाने में वो योगदान लगातार देते रहे। 29 मार्च 1963 को हिंदी सेवा श्री सी सियाराम शरण गुप्त जी का देवासन हो गया था। इन्होंने कुछ महाकाव्य महाखंड, इनका रचना अनाथ आद्रा विशाल दुर्बलाल बापू, इसी प्रकार कविता के अंतर्गत अनुरूपता तथा अमृत पुत्र, काव्य ग्रंथ के अंतर्गत दैनिक नुकुल, नोआखली, जय हिंद पाथेय, मृगमयी तथा आत्मोत्सर्ग, इनके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध तथा अनुवाद भी लिखे। ये थे कवि के संक्षिप्त रूप में इनके परिचय। अब मैं आपको एक फूल की चाह कविता किस कारण, है ना, कविता लिखने का कवि का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, इस ओर थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी। श्री सियाराम शरण गुप्त जी, क्योंकि गांधी और विनोबा भावे का बहुत गहरा प्रभाव पड़ने के कारण इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट करने की पूरा उन्होंने कोशिश की है। इनकी कविता में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुता एवं गांधीवादी विचारधारा की गहरी छाप दिखने को मिलता है। आर्यों द्वारा समाज को कर्म के आधार पर 4 भावों में बांटा गया है। जो सेवा का कार्य करते थे वे शूद्र कहलाते थे। कालांतर में उन्हें समाज में अछूत घोषित कर दिया गया था, शूद्र को। उन पर अनेक अत्याचार किए गए। समाज का एक बड़ा भाग हिंदू समाज से अलग थलग पड़ गया। गांधी जी ने इस समस्या पर ध्यान दिया तथा उन्हें हरिजन नाम दिया गया। उनके लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। सियाराम शरण गुप्त जी पर गांधी दर्शन का प्रभाव आदि से अंत तक बना रहा। उनके बच्चों की भी असामयिक मृत्यु हो गई थी, जो कि मृत्यु के दर्द को अच्छी तरह महसूस करते थे। एक अछूत कहे जाने वाले पिता के दर्द को कवि ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त किया है। यह कविता सुखिया नामक एक छोटी सी बच्ची थी इस कविता के अंतर्गत, जिसे बाहर खेलना अच्छा लगता था। संभव है उन दिनों महामारी का प्रकोप था, पिता उसे रोकते वहां नहीं रुक पाती। एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। सुखिया जब खेल कर लौटी तो उनका शरीर बुखार से तप गया था। ये कविता कुछ इस प्रकार है कि एक पिता के द्वारा, क्योंकि स्वयं सियाराम शरण गुप्त जी के भी जीवन में घटित घटना से मिलता जुलता जो इस कविता में उन्होंने पूरी तरह से एक पिता का अपने बच्चे के प्रति जो फीलिंग्स है, जो भावना है, पूरी तरह से यहाँ इस कविता के माध्यम से दिया गया। जो हरिजन
परिवार से होते हैं समाज में अछूता गया, जो समाज में लोग उनको छुआछूत की भावना से देखते थे, अब उसी यानी उसी परिवार के उसी पिता की एक बच्ची उन दिनों, क्योंकि एकदम महामारी, पूरे संसार महामारी के प्रकोप में थे, सो उन दिनों उनकी बच्ची भी उस प्रकोप में न पड़ जाए, उस बच्ची को पिता बाहर अपने घर से बाहर खेलने जाने को वो मना करते हैं। और तत्पश्चात इतना कुछ पिता के द्वारा रोक टोक करने के बावजूद भी एक दिन जिसका डर था उसी डर का सामना उन्हें करना पड़ता है, उसी प्रकोप में उसकी बच्ची पड़ जाती है। उस प्रकोप में पड़ने के बाद उस बच्ची की जो जीवन में मरण से पहले अंतिम इच्छा अपने पिता से वो रखती है कि एक फूल की चाहा, यानी एक फूल भगवान यानी उस मंदिर में देवी माँ के मंदिर में चढ़ाए हुए एक फूल उसे पाने की चाहा वो रखती है अपने पिता के समक्ष। अब क्योंकि पिता हरिजन थे, छुआछूत करते थे उस समाज में, मंदिरों में उनको जाना एकदम निषेध है, फिर भी बच्ची की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए पिता कहां तक वो अपने सब लोग है ना, समाज के सब जो बुजुर्ग जो बड़े लोग है जो उच्च वर्ग है उनसे अवहेलना सहकर भी वो बच्ची की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तत्पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अभाग्यवश उसे बहुत ही जो है कड़े है ना, बहुत ही समाज के द्वारा उसे बहुत ही बड़े अभिशाप कहा जा सकता है कि अभिशाप को वो सहना पड़ता है उस फूल लाने के चक्कर में। आइए देखते हैं, कविता मैं शुरू करती हूँ। बहुत रोकता था सुखिया को है ना पिता के द्वारा अपनी बच्ची को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका। वो खेल बच्ची थी, उसको जिस हम स्वाभाविक है कि बच्चों को जिस चीज से दूर रहने के लिए कहते हैं बच्चे उसी चीज को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, सो उसी प्रकार जो सुखिया है वो भी खेलने के लिए वो हमेशा तत्पर रहती। नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, डर के मारे पिता बाहर गई हुई बच्ची को बार बार वो देख रहा होता, यही मानता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया एक दिवस सुखिया के तन को, तब तब मैंने पाया ज्वार में विरहर वो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी की प्रसाद का एक फूल ही लो ला दो पिता है, उसकी अंतिम इच्छा होती है। अब पिता जिस बात से वो डरी अपने बच्चे को बचाना चाहती है वो बच्ची उसी प्रकोप में पड़ जाती, उसी महामारी उन दिनों बहुत ही ज्यादा ज्वार से है ना तपे लोग जो मर जाते थे, वैसा महामारी वहां उस समय चल रही होते, सो बच्ची भी अभाग्यवश दुर्भाग्यवश उसी प्रकोप में आ चुकी थी। उसने एक दिन अपने बच्चे को पाया बहुत ज्यादा बुखार से तपी हुई है, ज्वार से तपी हुई। अब उसकी अंतिम इच्छा थी कि पिता उस चढ़ाए हुए देवी माँ के मंदिर की प्रसाद के रूप में एक फूल की चाहा वो रखती है। प्रस्तुत कविता का भावार्थ है ना, कवि का इस पंक्तियों के आधार पर भावार्थ या व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति की आशंका का वर्णन बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। सुखिया का पिता अपनी संतान के लिए बहुत चिंतित रहता था, इसी कारण वह उसे बाहर खेलने जाने से हमेशा रोकता था, पर बालहट है ना बच्चे की जिद्दी स्वभाव के कारण उसका मन घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने में ही लगता था। जैसे ही वह उसे बाहर जाते देखता उसका हृदय कांप उठता था पिता। वह वही सोचता था कि किसी तरह कोशिश करके इस बार उसे बचा लूं। अभी तक उसके मन में यह डर समाया था कि कहीं वह उस समय फैली महामारी की चपेट में ना आ जाए, पर वही हुआ जिस बात का डर था। एक दिन सुखिया का शरीर बुखार की गर्मी से तप रहा उन्होंने पाया, वही बुखार के कारण बेचैन हो रही थी। पता नहीं क्यों और किस डर से उसने अपने पिता से कहा कि उसको देवी प्रसाद का एक फूल ला कर दे। तत्कालीन उस समय की समाज अछूत होना स्वयं में एक प्रताड़ना थी, बहुत ही बड़ी प्रताड़ना। उस समय के समाज में एक अछूत
जाति से होना एक प्रताड़ना थी, एक अभिशाप थी। भारत में छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई उन दिनों फैली हुई थी। अछूत व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करना भी वर्जित था, मना। ऐसा प्रतीत होता कि उन दिनों अनेक प्रकार की महामारी फैलती रहती थी, दवाइयों आदि की भी कमी थी। इन बीमारियों से बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। शायद सुखिया भी ऐसे ही किसी बीमारी की चपेट में आ गई होगी, कभी का मानना। सुक्रमशा कंठशीन हो गई, उसके बाद उसकी धीरे धीरे आवाज जो है, आवाज की जो गति है वो कमजोर पड़ गई। शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में, मैं मन मारे जान सका न प्रभा सजग से। हुई असर अब दोपहरी, स्वर्ण घरों में कभी कब कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई थी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया। धीरे धीरे सुखिया की आवाज कमजोर पड़ती गई, शरीर के अंग चंचलता समाप्त हो गई। बच्चों में जो चंचलता होती है, उस्फूर्ति होती है, वो समाप्त हो गई उस प्रकोप में पड़ने के कारण। उसको निश्चिष्ट निश्चय देकर पिता का मन चिंतित हो उठा। इस प्रकार अचानक उसके परिवर्तन, शारीरिक मानसिक परिवर्तन देखे पिता को चिंता होने लगी। वह अनेक नए नए उपाय कर रहा था उस बच्चे को उससे निकालने की, उस प्रकोप से बचाने की, उस बीमारी से बचाने की। वह उदास होकर बैठा था, रात कब बीता व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सवेरे हुआ, सारा संसार जाग गया और सक्रिय हो गया, पर सुखिया की दशा में सुधार नहीं हुई। आलस्य से भर देने वाली दोपहर आई और चली गई, सुनहरे बादलों में सूरज छिप गया, कब सांझ फिर से आ गई वह नहीं जान सका। अर्थात 24 घंटों से सुखिया का पिता उसके पास बैठा था। उसकी दशा बिगड़ती जा रही थी दिन ब दिन, उसमें जरा भी सुधार दिखाई नहीं दिया। रात्रि का अंधेरा फैल गया था, यानी पूरी तरह से रात हो चुके थे। पिता के मन में भी निराश बढ़ती जा रही थी। छोटी सी बच्ची सुखिया को निगलने के लिए कितना बड़ा अंधकार आ गया है उस रात, भयानक रात, है ना। इस प्रकार कवि कहते हैं कि पिता के मन के भय और आशंका को व्यक्ति अभिव्यक्त किया है। वह मंदिर से देवी के प्रसाद का फूल नहीं ला सकता था, पर एक अंतिम आशा उसके मन को विचलित कर रही थी कि शायद देवी के फूल से ही कुछ उसके बच्चे की स्वास्थ्य में कोई चमत्कार आए। वो पिता कोशिश करता है, उस ओर जाने की वो कोशिश करता है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारे से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमगा जगमगाते तारों से देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं उसे, स्वयं ही उस्कार कर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। फिर भी बच्ची के अंतिम, यानी उस शिथिल, है ना, उस शीत शारीरिक हालत में भी पिता उस बच्ची से वही शब्द बार बार सुनना चाहता है और वो व्यक्त करता है भावार्थ के अंतर्गत। धरती के ऊपर फैले हुए आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे तो चमक रहे थे, पिता उन्हें देख रहा था, उसकी आंखें झुलस गई थी, तारे जगमगा रहे थे। उसने देखा जो सुखिया एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकती, वह आज कैसी निश्चल पड़ी है। पिता की हिम्मत जवाब दे रही थी, अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए वह बेटी को उकसा रहा था कि वह देवी के प्रसाद का फूल फिर से मांगे, फिर कहे उसी बात को। वह ऐसा इसलिए कह रहा था जिससे उसकी सामाजिक चेतना पर बेटी की सुरक्षा बदलती हो जाए, बदलवी हो जाए, फिर वह उससे प्रेरित हो मंदिर से फूल लाने का प्रयास भी कर सके। अछूत मंदिर नहीं जा सकता था, ये बात मैंने कह दिया था शुरू में, मंदिर जाए बिना फूल नहीं मिल सकता था क्योंकि फूल के लिए मंदिर जाना था। उसके मन में बैठ गया था शायद देवी माँ अपने प्रसाद के फूल से सुखिया को बचा ले। दुश्चिंता में मनुष्य भगवान का सहारा ही तो खोजता है ना, अंतिम समय में भगवान ही एक सहारा
हमारे करते हैं जो उन्हीं के भरोसे हम जाते हैं। सो पिता को भी वही भरोसे में कि शायद बेटी के द्वारा प्रसाद के रूप में फूल मांगने का कारण शायद उसी उन्हीं के आज आशीर्वाद से बेटी फिर से चंगा हो जाए। ऊंचे शायद शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरिसिन विहंसित थे पाकर समुद्रित रवि कर जल। दीप धूप से आच्छादित था मंदिर की आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे उप सब भक्ति मुखमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकल बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला गया। अब वो मंदिर पहुंच गया अपने बेटी को बचाने के लिए, हा? वो कोशिश करता है उन सारे अत्याचार उन सारे अवहेलना को झेलते हुए वो मंदिर प्रवेश करता है। कभी कहते हैं कि पहाड़ की ऊंची है ना, वो मंदिर कैसी जगह में बनी हुई थी, पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक बड़ा और विस्तृत मंदिर है जहाँ सूर्य की किरणों के कारण स्पर्श से सोने की जो कलश है ना उनमें जो सोने की कलश लगे हुए थे वो ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल खिल रहे हो। अनेक दीपक जले हुए थे क्योंकि मंदिर है, धूप दीप जले हुए थे, उनकी सुगंध खुशबू पूरी बाहर तक फैली हुई थी। वहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा था उस समय, उस मंदिर में एक उत्सव मनाया जा रहा था जिससे संपूर्ण वातावरण मुखरित हो रहा था, पूरे गूंजे हुए थे, भजन कीर्तन से गूंज रहे थे। मंदिर के अंदर और बाहर भक्त जन एकत्र थे, भक्तों के झुंड अपनी मीठी वाणी में प्रसन्न एक भक्ति युक्त होकर आरती गा रहे थे। पतित आरती के बोल थे, पतितों का उद्धार करने वाली माँ तेरी जय हो, पापों का हरण करने वाली माँ तेरी जय हो। अच्युत पिता के मुंह से भी वही भजन निकला कि पतितों को उद्धार करने वाली माँ तेरी जय हो जय हो। वह आगे जा नहीं रहा था किंतु पता नहीं किस शक्ति उसे आगे धकेल दिया था क्योंकि लोगों की झुंड लोगों की जो भीड़ इतने बड़े हुए थे कि पिता इस भजन को उन भक्त गणों के साथ जपते जपते उन्हें आगे माँ यानी देवी माँ के मंदिर यानी मूर्ति के सामने उसे धकेलते आगे पहुंच गए थे। यह कवि ने देवी माँ को विशेषणों का उद्देश्य सौ उद्देश्य प्रयोग किया है। पहला पतित तारण्य अर्थात पतितों को उद्धार करने वाली अच्युत नियति से पतित है माँ उसका भी उद्धार करेगी, इसी कारण उसके मुंह से भी निकला पतित तारणी। दूसरा है पाप हरिणी अर्थात अपने भक्तों के पापों को निराकरण करने वाली, भक्त जन अनेक पाप करते हैं माँ उनके पापों का हरण करने वाली। ये गाते इस भजन के बोल गाते हुए पिता भी आगे बढ़ते हैं। मेरे दूध दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजन भर के फूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कवि सोचते हैं कि माँ के द्वारा जो दिए फूल है वो मैं बेटी को ले जाके दूं और उसके जीवन है ना फिर से पहले जो जैसी थी वो वैसे ही फिर से उसके जीवन यानी उसके हालत उसके स्वास्थ्य सुधर जाए। अच्युत व्यक्ति ने अपने फूल दीपक तथा प्रसाद पंडित को दिए, उन्होंने देवी माँ को समर्पित कर उसे जब अंजल है ना हाथों से भरकर प्रसाद दिया तब वह उस प्रसाद को लेना ही भूल गया क्योंकि उसे ऐसा अनुभव हुआ कि देवी माँ के दर्शनों से ही उसे अनुपम लाभ मिल गया है क्योंकि वहां तक पहुंचना उनके लिए असंभव, वहां पहुंचते ही वो सब कुछ भूल गए। चमत्कार से उन्हें लगा कि शायद इतने ही स्पर्श इतने ही दर्शन से शायद मेरी बेटी चंगा हो जाएगी और उस समय वह सोच रहा था कि ये पवित्र पुष्प मैं जाकर पुत्री सुखिया को दूंगा। अच्युत के लिए मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था अतः देवी दर्शन करना उसके लिए सौभाग्य का विषय था। उस समय देवी दर्शन से ही उसे इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वह प्रसाद लेना भी भूल गए थे। सिंह पौर तब भी आंगन से नहीं पहुंचने न पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अच्युत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए बना धूर्त है यह कैसा, साफ स्वस्थ परिधान किए हैं भले मनुष्य के जैसा, पापी ने मंदिर में घुसकर कितना अनर्थ बड़ा भारी कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकाली
शुचिता सारी अब भक्त जन ने उसे पहचान लिया दोबारा मंदिर में घुसते हुए कि ये तो अछूत है, कैसे बाकी नॉर्मल लोग जैसे साफ सुथरे कपड़े पहन के अनजान बन के वो घुसा। कभी कहते हैं कि वो अछूत मंदिर, अभी मंदिर का आंगन पर कर आंगन पार करके मुख्य द्वार तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक उसे सुनाई दिया कि यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आया है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर यह दुष्ट भला मानुष बनकर धोखे से मंदिर में प्रवेश कर गया। इसे पकड़ो, यह अभागे ना पाए, भाग ना पाए। इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, मंदिर की सदा से चली आई पवित्रता को इस दुष्ट ने अपवित्र कर दिया है। विशेष कवि कहना चाहते हैं, स्वर्ण व्यक्तियों ने उस व्यक्ति के प्रवेश को ही कलुषित माना है। इसी तरह के व्यवहार को देखकर गांधी जी ने उन्हें हरिजन, हरिजन का अर्थ है हरि अर्थात ईश्वर के भक्त कहा और मंदिर में प्रवेश की वर्जना का अंत किया। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार कोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुके गुस्से धम से नीचे गिरा दिया, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाय सब का सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे ना सका मैं, हाय। अछूत ने उन सर्वनों से पूछा कि उसकी माँ मलिनता देवी माँ के गौरव से भी बड़ी हो गई है, क्या मैं इतनी मलिन, मैं इतनी मैला कि गरिमा यानी उस देवी माँ की गरिमा से भी मैं छोटा पड़ गया हूँ, माँ के प्रताप से बड़ा कुछ भी नहीं है, फिर मेरा ऐसा कौन सा दोष है जो उससे भी बड़ा, क्योंकि माँ का गौरव तो पतितों का उद्धार करने में है, पतितों का उद्धार करने में है, उनकी महिमा तो पापियों के पाप हरण में है, फिर उनकी मलिनता इतनी बड़ी कैसी, उससे माँ का मंदिर ही अपवित्र हो जाए। पर उन भक्तों ने अछूत की एक बात भी नहीं सुनी, उन्होंने तुरंत उनको चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और सबने एक साथ उस निर्दोष को मारना शुरू कर दिया। अनेक मुक्के घुसे उस अकेले निर्दोष पर पड़े तो वह उन्हें झेल नहीं पाया और नीचे धम से वो गिर पड़ा। तत्कालीन उस समय की परिस्थिति अत्याचार करना एक सामान्य बात थी, जाति पाति का बोलबाला था, धर्म के बोलबाले थे, समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए सर्वनों द्वारा शूद्रों को अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पर मजबूर कर दिया जाता था। कभी कहते मारपीट के कारण उस अछूत पिता के हाथों से सारा प्रसाद गिर पड़ा, वह उस फूल की भी रक्षा नहीं कर सका जिसे वह लेने आया था। उसकी पुत्री बड़ी अभागी थी जो उसको वह देवी माँ के प्रसाद का एक फूल भी नसीब नहीं हुआ। पिता के अटूट प्रयत्न के पश्चात भी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी ना कर सकी। सब तक जब तक पिता घर पहुंचा तब तक उसकी पुत्री के प्राण बेरुखू उड़ गए थे, यानी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि वह मंदिर गया ही क्यों, वह अंतिम समय में अपनी पुत्री को गोद में भी नहीं ले सका, बेटी की अंतिम इच्छा के अनुसार एक देवी के प्रसाद का एक फूल भी उसे नहीं दे सका। कवि ने एक पिता की असमर्थता को सुंदर शब्दों में दर्शाया है, जिसे पढ़कर सहृदय पंक्तियों की आंखों आंखें नम हुए बिना रह नहीं जाती, है ना। इस प्रकार उस समय की तत्कालीन समाज की जो परिस्थिति है, हरिजनों पे छुआछूत जैसी भावना रखना एक आम सी बात थी, उनके ऊपर शुद्ध लोगों पर अत्याचार करना उस समय की समाज आम से, है ना, उनके लिए आम सी बात थी। सो इस प्रकार उनको इन सामाजिक जो बुराइयों यानी इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयों को कवि ने बखूबी से दर्शाया है। सो यही थे आप आज के कविता सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक फूल की चाह। सो भावार्थ पढ़िएगा, याद कीजिएगा। आज के लिए इतना, अगले क्लास में मैं फिर से दूसरे चैप्टर लेके आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद।